The shelf off of the crypto market of the continues Tuesday and the bitcoins and the ether falling a new 18 months the lows. The bitcoin is the world largest of the cryptocurrency, while the ether is the number of the two token. तो देखते हैं अभी क्या है भाई cryptocurrency. तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा है जो क्रिप्टो बाजार क्यों गिरा है, मैं आज ही समझाएंगे क्रिप्टो बाजार जो क्यों गिरा. जो गवर्नमेंट ने कहा था जब जब भाई जब जो पैसे लगा रहे थे कि कोई भी पैसा लगा रहा है क्रिप्टो में लगा रहा है तो भी अगर ये जो लेके चली जाती है भाग के लेके चली जाती है कंपनी लेके चली जाती है कोई भी, तो हमें जो हमारे पास में था ना वो लेकिन टैक्स जरूर देता है, टैक्स ले रही है क्योंकि ये जो हमारे ये है वो हुआ था सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे में भी बात जो मैं तो पहले जो इस बात को मैं तो खैर बदल रखी जाती है लेकिन बजट में ये बात साफ साफ कही गई थी कि जो इसमें टैक्स देना होगा. क्रिप्टो करेंसी की हालत इतनी खराब है कि जो जनवरी में अब तक जो सबसे नीचे जो पहुँच गया है जो ये आजकल क्रिप्टो मार्केट में बिकने वाली जो बिकने वाली आई हुई है बिकने वाली मतलब जो जो सब बेच रहे हैं इसको क्रिप्टो को जिसके पास है क्रिप्टो क्रिप्टो है वो अपनी ओरिजिनल करेंसी को जो इसमें कन्वर्ट कर रहा है जिसकी जो कन्वर्टर सपोज जिसका डॉलर है येन है या जैसे इंडियन रुपीज है तो उन्होंने लगाए हुए पैसे इस तरह की जो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है. चाहे अमेरिका को देख लो यहाँ पर भी लोगों के पास जो लिक्विड ज्यादा होता था लिक्विड वो नहीं ठर्रा नहीं या फिर पानी नहीं है या जो मतलब इसका जो चलित मुद्रा जो मतलब जो चल रही है रनिंग रनिंग करेंसी का मतलब है कैश मनी क्या ज्यादा है जिसके चलते जो आवश्यकताओं की जो आवश्यकताओं को तो खरीद रहे हैं और जो खरीदने की जल्दबाजी कर रहे हैं जो हमने कुछ भी हमें जो नीड है हमारी जो सपोज करो गाड़ी की है तो गाड़ी हम जो खरीद रहे हैं लेकिन उसको बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं तो कैसे है. कोरोना का टाइम जो इंडिया के गवर्नमेंट ने लोगों के पास जो पैसे पहुँचाया भाई जो इंडिया ने पहुँचाया था लोन के थ्रू पहुँचाया था वही अमरीका ने जो डायरेक्ट जो अकाउंट में डाल दिए थे पैसे जो और ऑर्डर दिया लोगों ने फिर जो उसके बाद जो भाई ऑर्डर देने स्टार्ट किया अपनी जो नीड की वस्तुएं उनको तो सामान तैयार नहीं था. कोरोना में लोग जो है घर भी गए हुए थे इधर उधर भी थे तो सामान तैयार नहीं था. सामान जैसे तैयार हो के आया तैयार तो एक सामान है जैसे मान लिया था फ्रिज है फ्रिज की मेरे डिमांड है तो फ्रिज के लिए एक सब एक फ्रिज के लिए पांच आदमी खड़े हैं तो उसकी जो जो महंगाई बढ़ गई तो महंगाई बढ़ने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अशांति फैली हुई है भाई. दूसरा जो दूसरा इसका जो मेन पर्पज है मेन जो बात है वो जो ये है अंतर इंटरनेशनल जो स्टेज में जो पीस नहीं है अशांति फैली हुई है यूक्रेन रशिया जो क्राइसिस है तमाम जो जो दोनों पे जो तमाम तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं रशिया पे ज्यादा लगे हुए हैं जिसके जो रशिया ने जो मिलने वाले जो रशिया से मिलने वाला जो फर्टिलाइजर है ऑयल है गैस है तो ये बहुत ज्यादा सप्लाई करता था जो बहुत सारे कंट्री हैं अलग यूरोपियन कंट्री में गैस की उनकी जो बहुत सारी जो सप्लाई होती थी इंडिया में भी होती है बहुत सारी चीज़ें तो उसके चलते जो रिसोर्सेज जो भी थे वो बहुत महंगे हो गए. और दूसरा जो थर्ड था हमारा जो टूरिज्म भी प्रभावित हुआ है कोरोना के चलते वो इस तरह के जो सेंसर्स लगे हुए थे इनमें भी तो यहाँ आने जाने में तो इस तरह से जो टूरिज्म प्रभावित हुआ है तो आने वाला पैसा वो भी बंद हो गया तो बेरोजगारी का जो भार जो गवर्नमेंट पर पड़ा उसके चलते जो राहत तो गवर्नमेंट ने जो राहत पैकेज दिए थे अब राहत पैकेज तो गवर्नमेंट ने दिए तो अब सरकार को जो महंगाई का जो बढ़ा बढ़ गई भाई जब जो पैसे देंगे सब कुछ देंगे तो इसके चलते महंगाई बढ़ने के सारे तीन चार कारण हैं. अमरीका की जो फेडरल बैंक ने तो बाजार दरें बढ़ा दी भाई सबसे पहले तो मैंने बता दिया जो इसका लोगों ने पैसा पैसा निकाला इससे क्रिप्टो को अपनी बेच स्टार्ट कर दी फिर लोगों को पैसे पहुंचाया जो इंडिया ने जो डायरेक्ट पहुंचाया अकाउंट जो इंडिया ने पहुंचाया लोन दे के लोन ले लोगे जहां अमेरिका जैसे देश ने डायरेक्ट खाते में पहुंचा दिया फिर जो आपका टूरिज्म प्रभावित हो गया. उधर जो ये इंडिया जो ये है रशिया और जो यूक्रेन का संकट जो आ गया युद्ध का संकट आ गया तो सारी चीज़ें और अमरीका जो फेडरल बैंक है जो बाजार दरें जो वो बढ़ा दिए जिन्होंने जो लोन में जो क्रिप्टो खरीदी थी पहले लोन लेकर किसी ने क्रिप्टो खरीदी तो क्रिप्टो जो बेच कर जो उनको लोन चुका रहे हैं कभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो लेन ले देना पड़ जाए इस तरह की कभी कंडीशन और भी खराब हो जाए. अंतर वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को जो शेयर मार्केट भी जो लोगों के पास जो पैसे निकाल लिए जो पैसा था उनको भी बिलीव नहीं हुआ तो उन्होंने भी निकालना स्टार्ट कर दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. इसी कारण से जो FII जो भारत का जो कम हो रहा है उसकी जो क्रिप्टो खरीदना हो उसको यदि आपको क्रिप्टो खरीदना हो तो बहुत ज़्यादा जो कंपनियाँ जैसे वजीरेक्स है कॉइन स्विच है ऐसी बहुत सारी हो रहे हैं तो क्रिप्टो रखने के लिए लेकिन एक कंपनी बनी हुई है तो RBI के द्वारा अधिकृत नहीं है जो ना तो RBI के द्वारा अधिकृत है या किसी के द्वारा जिसका नाम जो सेल्सियस है कंपनी है जो इस तरह की ये है देखो ये
सेल्सियस कंपनी है, सेल्सियस दीज आर द फाइनेंशियल सर्विस ऑफ द इजी आर द एक्सेस देन द ट्रेडिशनल्स द बैंक्स बट ऑल द फ्लिप्स ऑफ द नो रेगुलेटरी द ओवरसाइट्स कोई भी रेगुलेट नहीं करता तो सेल्सियस बैंक के द्वारा जो बैंक लोगों से कहती है कि सेल्सियस अपना अपना पैसा हमारे पास जमा कराओ और जो 17 से 18 जो इस तरह का जो ब्याज ले जाओ 20% का ब्याज ले लो या रिटर्न ले लो ये जो 17 से 18 का ब्याज लोगों को जो लालच हुआ जो सेल्सियस ने दिया फिर नेटवर्थ जो एक टाइम पे जिसकी जो है $24 मिलियन पहुँच गई थी ये ना $24 मिलियन 2021 की बात है 9 दिसंबर की जब मार्केट जो गिरना स्टार्ट हुआ उसके बाद जो जो लोगों ने जो लोन लेकर जो क्रिप्टो खरीदा था उन्होंने सेल्सियस को क्रिप्टो निकालना स्टार्ट कर दिया। अब जो भी सेल्सियस जो सेल्सियस का जो नेटवर्थ था जो 24 मिलियन से जो 10 मिलियन में पहुंच गया एकदम चढ़ाव मार्केट नीचे आया। अब सेल्सियस को सबके जो अकाउंट इसने जो फ्रीज कर दिए कि भाई इस तरह से जो क्यों भाई जब इनकम है ही नहीं तो कंपनी भी लगाई है पैसा भी लगाया सब कुछ लगाया तो ऐसे तो है नहीं तो जैसे भी जो जो बैक दो द्वारा पैसा मैं निकालना है जो मना कर दिया कि कोई भी पैसा नहीं निकालेगा। जैसे नोटबंदी हुई थी ना तो जो मार्केट में हाहाकार मच गया था भाई तो लोगों को बेटी एक लिमिट में तब देंगे पैसे इस तरह का तो सेल्सियस ने कहा कि जिस तरह का जो मार्केट गिर रहा है तो यदि हम इस तरह से पैसे नहीं लेंगे तो हम तो खाली हो जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि हमारे पैसा है तो कैसे बैठ सकते हैं भाई हम तो लेंगे तो सेल्सियस ने कहा कि जाओ जो भी कर सकते हो कर लो ना शिकायत करनी कर लो क्योंकि जब अब शिकायत करने के किसके पास जाए। आरबीआई ने कहा कि सेबी ना तो इसको आरबीआई रेगुलेट करती है ना सेबी रेगुलेट करता है ना वर्ल्ड लेवल पे कुछ रेगुलेट होती है तो शिकायत किससे करेंगे तो हम रेगुलेट नहीं करते तो लेकिन जो तुम्हारे पास जितना विश्वास है इतने विश्वास से ज़्यादा पैसा लगाया उस पर विश्वास तो हमने मना करी है जैसे किसी को ना सब समझाते हैं लेकिन वो बात मानता नहीं है वो लेकिन उसी पर मीठी मीठी बातों में आ जाता है कि 17-18% का जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है उसकी वजह से तो जो सेल्सियस की जो पार्टिसिपेंट पर जो विश्वास पर हो जाते हैं तो ऑनलाइन बैठ के पैसा कि भाई सब कुछ पैसा मिल रहा है घर पैसा आ रहा है तो क्यों ना लगाया जाए सब कुछ लालच था। अब शिकायत कहाँ कर पाओगे कहीं होगी जो ऑलरेडी कर उसने पहले कर रखा है जो सेल्सियस ने इसने पहले कर रखा है कि जो अगर कोई भी रेगुलेशन मेरे पे जो रूल्स रेगुलेशन कोई भी मेरे पे फॉलो नहीं होगा तो अब कर लो शिकायत कहाँ करनी है। तो ये जो मेन कारण है कि भाई क्रिप्टो करेंसी का जो गिरने का क्या कारण है और जो ये बाजार का ये मैंने समझाया है तो किस तरह से